हम अपने बच्चे को केवल महंगे स्कूल और अंग्रेजी का ज्ञान न दें, बल्कि उन्हें अच्छे संस्कार भी दें। अच्छी शिक्षा केवल करियर बनाती है, जबकि अच्छे संस्कार उनका कैरेक्टर। बचपन में जैसे संस्कार डालो, वे अमिट हो जाते हैं। कच्ची मिट्टी से जैसा चाहे बर्तनों का निर्माण किया जा सकता है। माता पिता के कर्मों का प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। पिता घर में बैठा है, कोई मिलने आता है तो बच्चे से कहता है, बेटा कह दो जाकर दरवाजे पर कि घर में पिताजी नहीं है। बेटा वैसा ही कह देता है। आगंतुक पूछ बैठता है कि पिताजी कहाँ गए हैं। वो बालक कहता है, पिताजी घर में बैठे हैं। और कहते हैं कि कह दो जाकर पिताजी घर में नहीं है। इस तरह बचपन में बच्चों को झूठ बोलना सिखाया जाता है, बच्चों को गाली देना सिखाया जाता है। एक बहन जी मिलने आई, उनके साथ में उनका बेटा भी था। तो उन्होंने कहा, साहब ये बेटा नहीं, ये मेरा ये दुश्मन है। तो मैंने पूछा, अपने बच्चे को क्यों दुश्मन कहती हो? बच्चे को अच्छे संस्कार देना चाहिए, अच्छे विचार देना चाहिए, उन्हीं के सामने तुम कहते ये शैतान है। तो कहा, साहब ये जर्दा खाता है। मैंने पूछा, जर्दा कहाँ से लाया है? कहता है, इनका पिताजी खाता है। बंधुओं, जब पिता ही जर्दा खाता है तो बेटा क्यों नहीं खाएगा? जब पिताजी ही झूठ बोलना सिखाता है तो बच्चों क्यों नहीं झूठ बोलेगा? क्या बच्चा को पाकिस्तान के लोग गाली देने के लिए सिखाने के लिए आते हैं? घर में ही सीखते हैं। बच्चा पेट में पल रहा है, उनकी माँ पिक्चर देख रही है, हम दिल दे चुके सनम। बच्चा क्यों नहीं अपना दिल दूसरे जगह लगाएगा? क्यों नहीं दिल को बेचेगा? हम चाहते हमारा बच्चा संस्कारी हो, राम बने, हम रावण बने बने बैठे हैं। तो बच्चा कैसे राम होगा? राम की पद चिन्हों पर चलना है, चलकर इतिहास को बदलना है। न जाने कितना ताड़का अभी भी नाटक रच रही है, कितना सुमनेखा अभी भी स्वांग दिखा रही है। राम की पद चिन्हों पर चलना है, चलकर इतिहास को बदलना है। जब आपको बच्चे राम जैसा चाहिए तो आपको दशरथ और कौशल्या बनना पड़ेगा, दशरथ और कौशल्या बनना पड़ेगा। लेकिन आप रावण बने बैठे हैं तो बच्चे कैसे राम बनेंगे? हम जो गुण अपने बच्चों में देखना चाहते हैं, जो गुण हम अपने बच्चों में देखना चाहते हैं, वह गुण हमारे अंदर